अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानी, मेरा नाम है अक्रम अली और मेरे साथ हैं दानिश। दानिश है एडिटर एट प्रो पाकिस्तानी। हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और उसके साथ मैं दानिश से करूंगा सवालात उस बारे में। सो द बिग अनाउंसमेंट इज़ दैट आईफोन 11 एंड आईफोन इज़ ऑफिशियली कमिंग टू पाकिस्तान। सो इट्स ऑल्सो क्वेश्चन फ्राम दानिश। दानिश, इज़ इट रियल, इज़ इट फॉर रियल कि आईफोन इज़ कमिंग टू पाकिस्तान ऑफिशियली? जी हाँ, आईफोन ऑफिशियली ऑथराइज सेलर्स के पास मौजूद है, पाकिस्तान में आ चुका है। सारी आईफोन 11 की सीरीज़ आ चुकी है, उसमें आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, प्रो मैक्स और उनके सारे कलर वेरियंट्स हैं, वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। गुड, तो ये तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग न्यूज़ है। तो कब से और कैसे हम या बायर्स उन आईफोन्स को बाई कर सकते हैं? प्री बुकिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है दराज पे, और जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन सिर्फ कराची और लाहौर में अवेलेबल है। अगर आपने और डिटेल्स देखनी है तो आप हमारा ब्लॉग पोस्ट देख लें। गुड, उसका लिंक हम वीडियो की उसमें डाल देंगे। राइट, तो दानिश, यूज़र्स के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि वो ये कैसे लाइक ये हाउ डू दे ऑथेंटिकेट दिस ओरिजिनलिटी कि ये ऑफिशियल है या नहीं। ये एप्पल ने बहुत आसान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड बनाया, जो एप्पल के ऑथराइज रिटेलर से आप लेंगे आईफोन, उसके बॉक्स के ऊपर वो क्यूआर कोड होगा जिससे आप कंफर्म कर लेंगे ऑथराइज है या नहीं। सही, तो यूज़र्स को हम उसका एक अलग से तरीकाकार, उसका भी बाद में एक वीडियो बना देंगे जिसके थ्रू वो ये देख सकते हैं उस ट्यूटोरियल के थ्रू कि वो अपने आईफोन्स को कैसे चेक करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, प्राइसिंग, कीमतें क्या हैं, कैसे हैं, बेहतर हैं, नहीं है, इस बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास लिखी हुई है। आईफोन 11 स्टार्ट्स एट 173,000, 11 प्रो स्टार्ट्स एट 230,000, प्रो मैक्स स्टार्ट्स एट 248,000। वाओ, थोड़े महंगे लग रहे हैं मुझे। सो डू यू थिंक कि ये प्राइस फेयर है या कंपैरेटिवली जो बाकी? अगर ठीक है, डॉलर भी महंगा हुआ है, टैक्सेस अलहदा सब कुछ ऐड करके भी ना सब डिवाइसेस पे 40 to 50,000 या 20 to 50,000 जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, प्रीमियम चार्ज हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर एक बंदा 3 लाख का फ़ोन ले रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। या बट इतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो हमें लग रहे हैं, मे बी उसके अंदर उनकी कोई कॉस्ट ऐसी इन्वॉल्व हो या कोई इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व हो जो वो, तो आई थिंक इसका ब्रेकडाउन हम कोशिश करेंगे कि हम इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कर सकें। बट सो फार दानिश की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें 20 to 50,000 रुपीज़ उस कंपनी का या उस वेंडर का मार्जिन लग रहा है जो इस सारी चीज़ को पॉसिबल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 11 प्रो जो है ना वो अपनी प्राइस से टैक्सेस ऐड करके भी, अमेरिकन टैक्सेस भी और पाकिस्तानी टैक्सेस भी ऐड करके, उसको 156,000 तक के आसपास होना चाहिए। राइट, तो 173 is a bit high. So according to expert, price थोड़ी सी हाई है। Another question user perspective से, कि देखिए हमें तो पहले भी, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, हमें पहले भी मार्केट से आईफोन मिल जाता था, बिल्कुल मिल जाता था। इसमें क्या डिफरेंस है? और दूसरा ये कि जो रिटेल स्टोर्स पे जो दुकानदार आईफोन्स बेचते थे उनके लिए क्या ड्रॉबैक है इसके अंदर? ड्रॉबैक तो सिर्फ उन्हीं के लिए जो यहाँ पे रिटेलर्स थे, जो अनऑफिशियल रिटेलर्स थे। बायर्स के लिए तो मेरा ख्याल है फ़ायदा ही है। रिटेलर्स के लिए तो ये नुकसान हो गया ना कि वो अब अपनी मर्जी से प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, प्राइस स्टैंडर्डाइज हो गई है, नेगोशिएशन का कोई रूम ही नहीं रहा इसमें। जहाँ तक बायर्स की बात है, उनको तो मेरे ख्याल से काफ़ी एडवांटेज है कि अब उनको एक ही रेट पर और ऑथराइज और ऑफिशियल चीज़ मिलेगी, उन्हें ना इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा ना उस पूरे हैसल से गुजरना पड़ेगा। सही, तो अल्टीमेटली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आईफोन यूज़र्स। पाकिस्तान के अंदर जितने आईफोन लवर हैं उनके लिए ये चीज़ें जो है, ऑथेंटिक होना किसी भी प्रोडक्ट का वो बड़ा मीनिंगफुल है, बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर। तो थैंक यू सो मच दानिश, आई थिंक हमने एक यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दिया उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि इसकी ओरिजिनलिटी, इस न्यूज़ की ओरिजिनलिटी किस हद तक ऑथेंटिक है। तो यस, आईफोन इज़ ऑफिशियली कमिंग टू पाकिस्तान। For further videos and updates, please like Pro Pakistani, subscribe our channels and keep following us. Thank you so much. Thank you.